ये लाइट तो चालू है। अभी जब तक मैं लिखवा नहीं रहा हूं तब तक उसमें देखो, फिर जब लिखवाऊंगा तो वो कर लेना। चलो अभी तो बुक है ना तुम्हारे पास, बुक देखो, जब मैं कराऊंगा तो उसको बंद कर दूंगा। इलस्ट्रेशन कौन सा तुम्हारा? टू। देखो 1 जनवरी 22 और 31 दिसंबर 22 दिया है, इसका मतलब कौन सा ईयर फॉलो करते हैं? ये कैलेंडर ईयर है, क्योंकि बैलेंस शीट दी है और जनवरी दिसंबर की दी है, यानी कौन सी दी है? कैलेंडर ईयर। थोड़ा सी हिंट कर दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, देखो तुमको मशीनरी दी है, कितनी दी है? ओपनिंग कितना दिया है तुमको? 8,000। क्लोजिंग कितना दिया है? 5,500। 1 जनवरी 22, 31 दिसंबर 22, तो ये हो जाएगा ओपनिंग, ये हो जाएगा क्लोजिंग। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 1,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 300, यानी उसकी WDV कितनी हो गई? 700। 1,000 में डेप्रिसिएशन 300, तो WDV कितनी हो गई? 700। वो सोल्ड फॉर 500। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस? लॉस। द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन 1 जनवरी 22 वॉज 2,500 एंड ऑन 31 दिसंबर वॉज 4,000। यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बात समझ में आ रही है? मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस तुमको दे दिया है, ठीक है क्या? मशीनरी जो बिकी है उसकी इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है क्या? तुमको बीच में सारे कैलकुलेशन करने हैं जो अपन ने कल मशीनरी का अकाउंट बनाया था, क्या बात समझ में? उसी से इन्वेस्टिंग बनेगा और बाकी सारी चीजें एक बार ट्राई करो, देखते हैं कितना कर पा रहे हो। हाँ हाँ वो पूरा जो अपन ने पढ़ा है ऑपरेटिंग का प्रॉपर फॉर्मेट से शुरू करो, एक एक चीज ढूंढना चालू करो। सबसे पहले नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 4,500 रुपए दिया हुआ है सबसे नीचे क्वेश्चन के आखिरी में, देखो दोनों के पास अपनी अपनी बुक क्यों नहीं है? हाँ तो निकाल ना, चलो ठीक है करो जल्दी। ज्यादा अंधेरा हो जा रहा है क्या? मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी सी लाइट भी हो जाए और थोड़ा सा अंधेरा भी हो जाए। नहीं लेकिन वो ना स्क्रीन नहीं दिख रही ना, थोड़ा सा जल्दी करो। शेष का सबको बनाया शेयर्स का टेस्ट दिया कितनों ने पहले तो ये बताओ। थ्योरी बनी लिखी अच्छे से थ्योरी? कोई बात नहीं, चारों ही करने थे ना। ठीक है हाँ पूरा करा दे रहा हूं मैं, देख लो आके। सबसे पहले देखो हमको फॉर्मेट पता होना चाहिए, प्लीज आप लिखो नहीं, मैंने सफिशिएंट टाइम दिया आपको करने का। यहां देखो सबसे पहले आपने क्या लिया? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले आपने क्या लिया? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर।
सबसे पहले क्या लिया मैंने, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, नेट प्रॉफिट मुझे बताओ तुम क्वेश्चन देख के, 4500। क्या पूरे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स है बेटा, प्लीज लिखेंगे नहीं, मैंने टाइम दिया था आपको। क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पे प्रोविजन फॉर टैक्स है? नहीं। क्या कहीं पे प्रपोज डिविडेंड है? नहीं। क्या कहीं पे जनरल रिजर्व वगैरह कुछ रिजर्व्स है? नहीं। तो यही क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, आपको लिखना पड़ेगा। यही क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। कोई डाउट है क्या? नहीं। अब इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या ऐड करेंगे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वर्किंग नोट में वो मशीनरी वाला खेल कर लेते हैं, ठीक है क्या? मैं उसका शॉर्टकट भी एक तुमको बता सकता हूं। मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना कितना दिया था आपको, मुझे फटाफट बताओ कितना दिया था ओपनिंग, 8000, और क्लोजिंग कितना दिया था तुमको, 5500। अच्छा, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग कितना दिया था बताओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल देता हूं उसको, 2500, और क्लोजिंग कितना हो गया, 4000। यहां तक समझ में आया? हाँ। फिर उसने क्या बोला है, एक मशीनरी बिकी है। क्या बोला है, एक मशीनरी बिकी है जिसकी क्या थी, कॉस्ट कितनी थी, 1000, और उसमें डेप्रिसिएशन कितना था, 300। आ रही के बाद समझ में? तो यहां से निकलेगा 1000 बाय असेट डिस्पोजल कितना निकलेगा, 1000, और यहां से क्या निकलेगा, 2 असेट डिस्पोजल 300। बात समझ में आ रही है, असेट डिस्पोजल में क्या जाएगा, 2 मशीनरी 1000 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 300। ये समझ में आया है कि नहीं आया, फटाफट बोलो, कल ही कराया था ये, ठीक है क्या? कितने का बिका है बाय बैंक, कितने का बिका है, 500। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, लॉस कितने का, 200 का। टैली हो गया, टैली हो गया, क्लियर है क्या? अब यहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का डिफरेंस निकालो, 4300 माइनस 2500 तो कितना आ जाएगा, 1800। 1800 क्या आ गया बेटा, डेप्रिसिएशन। 1800 क्या आ गया बेटा, डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये निकालो कितना होगा, 6500। 8000 माइनस 6500, क्रेडिट साइड है डेबिट साइड है, 8000 और 8000 माइनस 6500 तो कितना आ जाएगा, 1500 बाय सेल। कुछ भी क्वेश्चन बनाते हैं इन लोग, वैसे होना नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है क्या? कितना आ जाएगा, 1500। एक बार देख लूँ इनने क्या लिया है, क्योंकि आना नहीं चाहिए वैसे ऐसा। ओ, ये मिसप्रिंट है इनकी तरफ से। एक काम करो, पहले ये टैली है, इसका टोटल करो, 3 + 1 = 4, ये सबका टोटल करो, कितना आ रहा है, 23000 आ रहा है क्या, 3 + 1 = 4, 4 + 3 = 7, 7500, 8000, 9 + 10 = 11, 15 + 5 = 23। हाँ, मतलब 23000 ना पूरा आ रहा है ना, और इन ओपनिंग बैलेंस लेकिन यहां पे क्या ले लिया, 10500। क्या बोले अब इनको हम, चलो ठीक है, इनका छोड़े अपन, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कायदे से कि यहां पे सेल आए, क्योंकि अपन ने सेल के लिए तो असेट डिस्पोजल बनाया ना, ऑलरेडी एक बार सेल कर चुके हैं, क्वेश्चन में इनकी गलती थी, मैं देख के ही समझ गया अभी, ठीक है क्या? अभी बात करते, चलो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इसमें ऐड कर दो डेप्रिसिएशन। क्या ऐड कर दो, डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन आया है, 1800। इनका भी 1800 आया क्या डेप्रिसिएशन? हाँ, चलो डेप्रिसिएशन ले लिया तुमने, अब क्या लोगे तुम, लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल ले लोगे, क्या हो जाएगा लॉस ऑन सेल, मुझे बताओ बेटा तुम, कितना आया था तुम्हारा, 200, ठीक है। और कुछ है क्या क्वेश्चन में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इंटरेस्ट वगैरह देखा करो क्वेश्चन में, हमेशा कहां देखोगे इंटरेस्ट वगैरह, ये क्या कहते हैं इसको, लोन्स वगैरह, जैसे मिसेस एज लोन लिखा हुआ है, अगर यहां पे कुछ इंटरेस्ट लिखा होता, 10% डिबेंचर होता, तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन लेते, दिया नहीं है डेटा इसलिए हमने नहीं लिया, क्या बात समझ में आ रही है? नहीं तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है क्या? नहीं दिया है तो कुछ नहीं लेते हैं, काम करते हैं, डायल आइडल पे आ जाते हैं। क्या हो गया, 4000 से 4400 इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्या हो जाएगा, प्लस। डिक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या करते हैं, प्लस, तो क्रेडिटर्स बढ़ गए तो 400 क्या हो जाएगा, प्लस। कोई डाउट है किसी को? नहीं। दूसरा क्या बोला उसने, लोन क्या हो गया, 2500 से जीरो, तो ये तो नहीं आएगा, ये तो वहां जाएगा, लोन फ्रॉम बैंक भी नहीं आएगा, बस यहां आ जाएगा डेटर,
3000 से 5000 इंक्रीज इन असेट क्या हो जाएगा माइनस 2000 हो मेरे साथ। स्टॉक 3.5 से हो गया 2500 क्या हो जाएगा डिक्रीज इन असेट कितना हो जाएगा 1000 प्लस 1000 हो मेरे साथ। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा मशीनरी तो अपन ने कर लिया है लैंड बिल्डिंग कुछ नहीं आएगा ये आ गया तुम्हारा सबका नेट निकालो कितना आएगा ये प्लस 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 माइनस 5900 बता रहे हो तुम क्यों 3900 ये माइनस है कितना आ गया 5900 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये आ गया 5900 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो मेरे साथ सब लोग पक्का। इन्वेस्टिंग बनाए इन्वेस्टिंग में क्या देखोगे सेल ऑफ असेट ये इन सीधे सीधे फॉर्मेट तो इसका बड़ा इजी होता है इनफ्लो और आउटफ्लो हो मेरे साथ इनफ्लो और आउटफ्लो एक बार असेट साइड में देखो सबसे पहले असेट साइड में जाया करो देखो क्या क्या हुआ है सबसे पहले मशीनरी का अकाउंट बनाया था मशीनरी की क्या आई थी अपनी सेल मशीनरी की अपनी क्या आई थी सेल सेल होती तो क्या ले लेता इनफ्लो सेल होती तो क्या ले लेता इनफ्लो ताकि अभी बुक से आंसर मैच करे मैं यहां पे 10500 ले रहा हूं ताकि बुक से आंसर मैच करे मैं यहां पे क्या ले रहा हूं 10500 और जो इनका परचेज आया वो अमाउंट उठा ले रहा हूं ताकि तुम्हारा बुक से आंसर मैच कर जाए नहीं आए कि आया कि यही ले लूं चलो यही ले लेते हैं आंसर मैच नहीं करेगा हाँ इनफ्लो में क्या हो जाएगा सेल ऑफ मशीनरी सबसे पहले ये वाली सेल ऑफ मशीनरी जो बुक में दी हुई थी कितनी दी थी तुम्हारी 500 आया समझ में दूसरी सेल ऑफ मशीनरी तुम्हारी कितनी जाएगी 1500 मैं बार बार बोल रहा हूं ये गलत है ये 1500 सेल ऑफ मशीनरी नहीं आना चाहिए कभी आएगा भी नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार बेच चुकी है ये 1500 बेची कितनी कॉस्ट वाली बेची प्रॉफिट में बेची लॉस में बेची डेटा ही नहीं है कुछ बात समझ में आ रही मिसप्रिंट है क्वेश्चन में तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस मैं ले ले रहा हूं कितना 1500 कोई दिक्कत है क्या नहीं फिर कुछ और बचा आओ क्या है असेट साइड आ जाओ असेट साइड में क्या आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग लैंड 4 से 5000 हो गई है इंक्रीज इन असेट परचेस -1000 -2500 हो गया क्या ठीक है नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ जाएगा बताओ 2000 कौन सा 500 ये 1500 नहीं लिया ये जो आया था इसका क्या लिया था तुमने ये मशीनरी का अच्छा ठीक है अभी समझ गए ना वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है यहां पे नेट कितना आ जाएगा बताओ मेरे को 1500 नेगेटिव ये क्या आ गया नेट कैश आउटफ्लो अरे समझ आ रहा है अकेले तो नहीं खेलना मैं सेल ऑफ मशीनरी ये आई थी 500 सेल ऑफ मशीनरी आई थी 500 ठीक है फिर क्या हुआ 1500 ये भी सेल ऑफ मशीनरी आई थी ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है लेकिन ठीक है कितनी थी 1500 फिर क्या बोला लैंड एंड बिल्डिंग देखो असेट साइड में क्या हुआ है लैंड 4 से 5000 हो गया यानी खरीदा होगा माइनस बिल्डिंग 3500 से 6000 हो गई यानी खरीदी होगी माइनस तो क्या क्या माइनस कर दिया 1000 और 2500 3500 माइनस 1500 माइनस में आ गया कौन सा आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सा आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अब आते हैं किसमें फाइनेंसिंग तुमको प्रॉपर लिखना पड़ेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और फिर शुरू करना पड़ेगा क्या बात समझ में आ रही है पहले आएगा इनफ्लो और फिर थोड़ा नीचे आएगा आउटफ्लो क्या मेरे साथ हो हाँ या ना बोलो इनफ्लो में क्या क्या लोगे फाइनेंसिंग में सबसे पहले वहां जाया करो देखो इन्वेस्टिंग के लिए असेट साइड जाएंगे फाइनेंसिंग के लिए लायबिलिटी साइड जाएंगे सिंपल सी बात है कैपिटल देखो बढ़ गई है क्या हाँ 12500 से 15300 इंक्रीज कितना है बताओ 2800 आउटफ्लो है क्योंकि इशू है सॉरी इनफ्लो है इशू इनफ्लो हो जाएगा इशू ऑफ कैपिटल यहां पे कैपिटल वर्ड लिया है तो मैं इशू ऑफ कैपिटल लिख ले रहा हूं क्या बात समझ में आ रही 2800 रुपए और क्या है तुम्हारा लोन फ्रॉम बैंक लिया है क्या हाँ 1000 रुपए ये भी इनफ्लो हो जाएगा और क्या है लोन फ्रॉम बैंक के अलावा एस लोन को रीपे कर दिया 2500 माइनस हो जाएगा आउटफ्लो में और क्या है तुम्हारा बस निकालो नेट कितना आएगा मुझे बताओ 3800 माइनस 2500 1300 प्लस नेट कैश फ्लो निकालो ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ठीक है क्या ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग माइनस फाइनेंसिंग क्या आएगा नेट कैश फ्लो क्या आएगा नेट कैश फ्लो करो 5900 माइनस 1500 क्योंकि माइनस में था ठीक है कैलकुलेटर चलाता जाएगा और साथ में बैठ के भले लिखो मत 5900 माइनस 1500 प्लस 1300 जितना साथ साथ में कैलकुलेटर चलाओगे उतना कॉन्फिडेंस आता है
कितना आया? 5,700। ठीक है, इसमें ओपनिंग कैश जोड़ो क्योंकि क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इसीलिए। क्या बात समझ में आ रही है? ओपनिंग कैश जोड़ो कितना है? 1,000। तो क्लोजिंग कैश फ्लो होना चाहिए 6,700। क्लोजिंग कैश फ्लो कितना होना चाहिए? 6,700। आई क्या बात समझ में? पक्का? हाँ, ये ओपनिंग कैश जो क्वेश्चन में दिया था, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये 1,000 क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए, नहीं आया। क्योंकि एक काम करो ना, लायबिलिटी साइड की बैलेंस शीट को टोटल करो, 2022 में 4,2,6 25,000 आ रहा है, करो, फर्क होगा। 23,000 ही आ रहा है और इस साइड भी 23,000 आ रहा है और असेट साइड का भी 24,700 आ रहा है। असेट साइड का करो तो फिर इन्होंने यहां कैसे ले लिया है? मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। ओपनिंग बैलेंस इन्हें कितना ले लिया? 10,500 मशीनरी एट कॉस्ट। ओ बताऊं कैसे लिया है? मशीनरी और क्लोजिंग बैलेंस सेम लिया है। क्लोजिंग बैलेंस कितना लिया है? उसमें डेप्रिसिएशन प्लस किया होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000 प्लस ओपनिंग डेप्रिसिएशन लो कितना है? 2,500। कितना आएगा? 10,500। सॉरी क्वेश्चन में मिसप्रिंट नहीं है, 8,000 प्लस 2,500 कितना आएगा? 10,500। 5,000 और 4,500 कितना आ जाएगा? 10,500 और 9,000 तो 5,500 है ना बेटा? 5,500 प्लस 4,000 9,500। नहीं समझे? ये किया क्यों ये नहीं समझे? कैसे आया समझ में आया? 8 प्लस 2,500 कितना होगा? 10,500 और ये 5,500 और 4,000 कितना हो जाएगा? 9,500। ये 9,000 लिखा है, 9,500 होना चाहिए। ये कैसे लिया, उनने क्यों लिया ऐसा बताऊं? हमने कॉमन सेंस मिस किया। क्या कॉमन सेंस मिस किया? यहां मशीनरी दिख रही है, अगर ये एट कॉस्ट होती, अगर ये क्या होती है? एट कॉस्ट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहां पे होता? बैलेंस शीट में होता ना। सुनो मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों कहां पे होने चाहिए? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सिर्फ क्या दी हुई है? मशीनरी। क्या ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के जो ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर है वो तो तुमको नीचे नोट्स में दिए हुए हैं, क्या वो ऊपर बैलेंस शीट में दिख रहे हैं? क्या बैलेंस शीट में दिख रहे हैं? नहीं। मतलब ये जो मशीनरी की वैल्यू थी, ये कौन सी वैल्यू दी हुई है? रिटेन डाउन वैल्यू दी हुई है। कौन सी दी हुई है? रिटेन डाउन वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। और आपको क्या लेनी है? बिफोर डेप्रिसिएशन एट कॉस्ट। समझे बात को? फिर से बोल रहा हूं, आपको अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऊपर दिया होता बैलेंस शीट में तो आप ऐसे ही करते जैसा आपने किया है, लेकिन मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहां दिया था? नीचे नोट्स में। मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी से माइनस हो चुका है। ये मशीनरी ग्रॉस फिगर्स में है कि नेट फिगर में? नेट फिगर में। और हम कौन से फिगर्स लेते हैं? ग्रॉस फिगर्स। तो इसलिए हमने उसमें डेप्रिसिएशन क्या किया है? प्लस। इसलिए हमने डेप्रिसिएशन क्या किया है? प्लस। तब जाके ओपनिंग और क्लोजिंग के फिगर्स आए हैं। नहीं समझे मेरी बात? पक्का समझे? लॉजिक क्लियर हुआ? फिर से बोल रहा हूं, हमने कल डेप्रिसिएशन, जिसने कल क्लास अटेंड की थी उसको ज्यादा अच्छे समझ में आया, कल हमने ग्रॉस और नेट दो मेथड पढ़े थे। ग्रॉस में कॉस्ट वाली वैल्यू लेते हैं और नेट पे नेट वाली। हमने मेथड कौन सा लगाया? ग्रॉस वाला, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। हाँ, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हमको ओपनिंग और क्लोजिंग कौन से लेने चाहिए थे? ग्रॉस। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में दिया होता तो मशीनरी के फिगर्स कौन से होते? ग्रॉस। लेकिन एक्यूमुलेशन डेप्रिसिएशन का मशीनरी में नहीं दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, मतलब वो माइनस हो चुका है। तो पहले हम उसको काय में कन्वर्ट करेंगे? ग्रॉस में। काय में कन्वर्ट करेंगे? ग्रॉस में। ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10,500 और 9,500। आया कि नहीं आया? नहीं आया, होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन को एक बार रीडू कर लेना फिर से, चलेगा क्या? ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो जल्दी।
इलस्ट्रेशन 3 आपके पास बुक है, करेंगे जल्दी करें, अच्छे से इत्मीनान से देख के करना ये क्वेश्चन, जल्दी करो, टाइम दिया है मैंने 10 मिनट का। हाँ करो ना, तो टाइम तो दे रहा हूं कहां, वो तो मेरी आदत है बैठे बैठे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ताकि तुम्हें लकी करना है करना है। प्रोविजन फॉर टैक्सेस लायबिलिटी, मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट नहीं बताया था, चलो इस क्वेश्चन में बता दूंगा। लायबिलिटी होती है, बता दूं क्या लायबिलिटी, ओपनिंग क्लोजिंग, प्रोविजन मेड क्रेडिट, प्रोविजन मेड क्रेडिट और टैक्स पेड डेबिट। मैं एक बार यहां लिख दे रहा हूं, समझा बाद में दूंगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग क्लोजिंग, लायबिलिटी ओपनिंग, लायबिलिटी क्लोजिंग, ठीक है। प्रोविजन बनेगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, प्रोविजन बनेगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, तो यहां क्या आ जाएगा प्रोविजन मेड, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा टैक्स पेड। ये अभी बस रफ हिंट दे दिया है, बाकी पूरे क्वेश्चन के समय बताऊंगा। ओपनिंग क्लोजिंग प्रोविजन मेड टैक्स पेड। हो गया।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी करो। फिर तुम लोग बोले कि वो नहीं पढ़ाया, डिबेंचर्स, शेयर प्रीमियम बताया तो मैंने, शेयर कैपिटल बढ़ गया है 5 और 3000 से प्रीमियम भी बढ़ गया है, तो यानी शेयर इशू हुआ है प्रीमियम में, तो 5 और 3 8 एक साथ लिखोगे इशू ऑफ शेयर एट, हाँ फाइनेंसिंग में इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम 8000, ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय, पीछे बन रहा है अन्य, आगे बैठना, इतने पीछे बैठी अलग से जाके कैसे पता चलेगा मेरे को क्या कर रही क्या नहीं। 6% डिबेंचर का 6% इंटरेस्ट ऑपरेटिंग में आएगा, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग में ऐड होता है, प्रोविजन मेड, और आखिरी में लेस होता है टैक्स पेड, हाँ तुम टैक्स पेड माइनस होता है, ऐड होता है प्रोविजन मेड और आखिरी में माइनस होता है टैक्स पेड, फॉर्मेट लिखा हुआ है तुम्हारे पास। हाँ बेटा, बन रहा है बेटी, तुम लोग को तो बढ़िया कैलकुलेटर भी अलाउड है, अब सटा सट करते जाओ बस। अभी ये छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी ये छोटे क्वेश्चन हैं। हाँ
क्वेश्चन नहीं देखा है, क्वेश्चन कहाँ है? तुमको नीचे एडजस्टमेंट में क्या दिया है, प्रोविजन मेड दिया है क्या? क्या दिया है? प्रोविजन फॉर टैक्स, नीचे एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो मैं पहले बता चुका हूं ये तो। करेंट ईयर वाला क्या रहेगा? प्रोविजन मेड, और प्रीवियस ईयर वाला क्या रहेगा? टैक्स पेड व्हेन नो एडजस्टमेंट इज गिवन, का ये तो मैं बता चुका हूं। जब कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो करेंट ईयर वाला प्रोविजन क्या है? प्रोविजन मेड, और पिछले वाला क्या है? टैक्स पेड। ऐड करेंगे प्रोविजन मेड माइनस करेंगे टैक्स पेड। गुड, कितना आया ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बता? टैली भी हो गया, बहुत शानदार। वेरी गुड, एक आध बच्चे का टैली भी हो गया है। कौन लड़की? अच्छा कोई नहीं यार, पढ़ ले यार। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया था, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या लिया है तुमने? प्लस किया है कौन सा? करेंट ईयर का। ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस किया है, प्रपोज डिविडेंड प्लस किया है। क्या आ गया है तुम्हारा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ गया है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें डेप्रिसिएशन प्लस किया है 1120 और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्लस किया है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना किया? 420। ठीक है, 12500 जो भी है 25670। डाइल आइडल किया 23860 2021610। हाँ क्या किया तुम्हारा? कितना आया है? 21690 आ रहा है और मेरा 21610 आ रहा है, और तुमने बीच में प्लस किया 420, तो मैंने 420 नहीं लिया है, और लेकिन फर्क सिर्फ 90 रुपए का आ रहा है। बहुत बढ़िया, दुनिया लाओ, दो कैलकुलेटर दो, मां कसम। सुनो ओए, तुम लोग अपनी कॉपी में देखो, ठीक है 5080, ठीक है, गणित आज खतरे में है। 5080 प्लस 4050 प्लस 2000 प्लस 3000 कितना आ गया? 14130। तुम अपनी कॉपी में मिलाओगे सिर्फ, अबे सिर्फ अपनी कॉपी में मिलाओगे 14130, इतना ही आया तुम्हारा? बेटा बेटा आया इतना ही? अब उसमें क्या करोगे? प्लस करोगे 11120, प्लस करोगे 11120 प्लस करोगे 420, कितना आ जाएगा? 25670। बेटा कितना आया तेरा? 25670 आया है। ये 25670 आया है सबका यहां तक, मेरा 25670 आया है। तुमने 420 नहीं लिया है तो तुम्हारा आएगा 25250।
ठीक है क्या? मतलब अभी तक कितने का फर्क है? 420 का ही फर्क है। अब बस बाकी सारी चीजें सेम होनी चाहिए। 25,670 में क्या करोगे तुम? 570 ऐड करोगे, 1,330 माइनस करोगे, 1,050 माइनस करोगे, प्लस 570 माइनस 1,330 माइनस 1,050, 23,860 माइनस 2,250 कितना आ गया तुम्हारा? 21,610। क्या तकलीफ है 21,610 में? तीन बार में कैलकुलेटर सही नहीं चला रहे नालायक। यहां तक आ गया कि 21,610 तुम्हारा फर्क आएगा, 21,610 प्लस तुमने 420। हाँ हाँ, प्लस 420 तुमने 420 क्या कर रखा है? हमने प्लस कर रखा है ना। चलो तो उनने अलग किया ना, उनकी गलती है ना, उनके में गलती है। 21,690 गलत है, 21,690 गलत है, 21,690 गलत है, 21,610 सही है। ठीक है क्या? अब इन्वेस्टिंग कितना आ गया है? सबका आ गया इन्वेस्टिंग, सीधे फाइनल अमाउंट लिख रहा हूं। कितना आ गया है सीधे फाइनल बताओ? 32,680 पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। ये सबका आ गया इन्वेस्टिंग, मैं नहीं बता रहा हूं। फाइनेंसिंग कितना आ गया था? 12,000। नहीं, फाइनेंसिंग में तुम क्या करोगे? इंटरेस्ट पेड माइनस करोगे। प्लीज, फाइनेंसिंग में क्या करोगे? इंटरेस्ट पेड माइनस। अगर वहां पे आपने डिबेंचर का इंटरेस्ट, डिबेंचर का इंटरेस्ट आपने क्या किया है? प्लस। डिबेंचर का इंटरेस्ट क्या किया है आपने? प्लस। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग के कारण यहां पे डिबेंचर पे इंटरेस्ट आपने पे किया है, तो फाइनेंसिंग में क्या होगा? माइनस। नहीं समझे? अगर ऊपर छोड़ दो सारे लोग, यहां सुन लो, अगर ऊपर इंटरेस्ट ऐड किया है तो नीचे इंटरेस्ट माइनस होगा, अगर ऊपर ऐड नहीं किया तो नीचे माइनस नहीं होगा। नेट इफेक्ट दोनों का बराबर सेम ही आने वाला है। बात समझ गए मेरी? या तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्लस करो तो नीचे भी माइनस करो, क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किया है। समझ गए क्या? प्रपोज डिविडेंड दोनों केस में किसका लेना था? प्रीवियस ईयर का। प्रपोज डिविडेंड दोनों केस में किसका लेना था? प्रीवियस ईयर। ऊपर भी प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का और नीचे भी प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। आई कि नहीं बात समझ में? चल गया क्या? एक क्वेश्चन और करोगे क्या? एक सेकंड में आया मैं, पिंकी मैम बुलाने आई थी। हो गया? चलो एक क्वेश्चन और होमवर्क दे रहा हूं, करके आओगे? अगला वाला पूरा तुम लोग होमवर्क में करके आओगे। या एक काम करो ना, जब तक क्लास चालू हो रही है इलस्ट्रेशन फोर ट्राई कर लोगे? हाँ, नहीं करोगे? पिछला वाला आ गया, ठीक है कर लो। समझ में आ गया सबको? ठीक है क्या? आज इतना ही करा रहा हूं, बाकी का अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।